हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तंसुक पालीवाल, लिंकिंग लॉस एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्म वेलकम। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को तब तक खोने मत दो जब तक दिल के जज्बात जो है ना वो हौसलों की बुलंदियों को छू रहे होते हैं, है ना। और वैसे भी लाइफ में डरना किस बात का, एक कदम उठाएंगे या तो गिर जाएंगे या संभल जाएंगे या फिर किसी न किसी उड़ान को पकड़ लेंगे, यही होता है जीवन के अंदर। तो खैर देखो, ऐसा है कि जब भी कोई मौका आए, जिंदगी का नियम ये कहता है अच्छे से लपक लो। और वो इसलिए क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। झूठ कहते हैं वो लोग कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। अरे ये बस स्टॉप नहीं, ये जिंदगी का स्टॉप है, है ना। यहाँ हर बार मौका नहीं मिला करता। खैर चलिए, तो देखिए आज पहले तो मुझे थम्सअप कर दो, एवरीथिंग इज क्लियर, वीडियो ऑडियो एकदम परफेक्ट है, गिव मी अ थम्सअप। और साथ ही साथ में इस बात का आगाज भी कर लो कि रात के 9:30 बजे है, लेकिन क्या आप लोगों के अंदर किसी तरह का एनर्जी का कमी एहसास हो रहा है क्या? होना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, एक इंसान जो है ना वो तभी तक एक्टिवनेस के साथ जीता है जब तक वो अपने अंदर की आग को जला कर रखता है, और बहुत जरूरी है वो। देखिए आपके सामने दो ऑप्शन मैंने रखे हैं, और इस बार यूपी पार बोले तो 2022 के अंदर जिन लोगों ने बेरोजगारी को साइड में करने का निश्चय कर रखा है तो उनके लिए वाकई में बहुत ही शानदार चीज है। पता है हम लोग यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, आईएएस बनने का सपना देखते हैं, और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? कहीं पर भी हो सकती है। उस समय हम ये लोग नहीं देखते कि यार नहीं हमें पंजाब में पोस्टिंग दे दी या कहीं और दे दी, लेकिन जुडिशरी के टाइम में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नहीं, राजस्थान के बाहर पोस्टिंग दे दी, अरे दे दी तो दे दी भाई, क्या हो गया उस बात से, है ना। और वहीं पर क्या करते हैं हम, आधी तो हमारे कैची चला देते हैं, नहीं हमें यूपी नहीं जाना, हमें एमपी नहीं जाना, हमें राजस्थान नहीं जाना, हम तो हमारे स्टेट के अंदर ही रहेंगे। ऐसा करो, गांव की जो घूंघट वाली दुल्हनिया होती हैं वो बन के रह जाओ कि ना हम तो हमारे सैया जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है वो फिर करते रहना। इन शॉर्ट ध्यान से सुनना, आज थोड़ा खुले दिमाग से सुनना एकदम मेरी बात को, अच्छे से ऑब्जर्व करना, थोड़ा बुरा लगेगा बट कोई बात नहीं, एक बड़ा भाई समझ के, एक छोटा भाई समझ के, एक बराबर का बंदा समझ के माफ कर देना, लेकिन सुनना जरूर इन बातों को। उत्तर प्रदेश के अंदर दो बैंड बजने वाले हैं, अच्छे खासे वाले। कौन कौन से? एक तो आपके जो यूपीए का एपीओ का वैकेंसी है ये आने वाला है, और एक पीसीएस जे के बारे में जो है लगभग। और मैं आपको बता दूं, सौभाग्य है कि इन दोनों का फिगर लगभग लगभग 250 के पास में रहेगा, है ना। ओवरऑल कहा जा सकता है, हालांकि सीधी सी बात है, कोई ऑफिशियल डेटा आपके सामने नहीं बता रहा हूं मैं, ये वो बता रहा हूं जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप में। 500 जो पोस्ट है हमारे पास में आ जाएगी, किसके अंदर? उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर, वो भी सिर्फ इन दोनों वैकेंसी। अच्छा, इन दोनों वैकेंसी के लिए कौन बंदा क्वालिफाई है? वो है एलएलबी किया हुआ बंदा। मजेदार बात आपको बताएं, ये जो एपीओ का वैकेंसी है ना, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस वैकेंसी चाहिए ही नहीं। उत्तर प्रदेश के एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर आप लॉ ग्रेजुएट हो या फिर आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज करा रखा है, दैट्स सफिशिएंट। ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो थोड़ा सा अपने आप में हल्का सा क्लेरिफिकेशन कम रख रहा है। वहां पर एक तरफ तो लिखा हुआ है लॉ ग्रेजुएट हो या फिर किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसको गवर्नर ने रिकॉग्नाइज कर रखा हो। अब गवर्नर ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रखा है ये जानना हमारे लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए उसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है कि आपने खुद को एनरोल करा रखा है एज एन एडवोकेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट यूपी के बाहर का है उसको एडवोकेट पे ऑन एनरोल हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर मामला आएगा और आप झुक जाओगे कहीं ना कहीं। और दूसरा जज बनने वाला पीसीएस से, मतलब जो सिविल सर्विस जुडिशरी। अब जैसे हमारे यहाँ पर आरजेएस वगैरह कहते हैं ना, दिल्ली में डीजेएस बोलते हैं, एमपी में एमपीसीजे बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मामला होता है यूपी पीसीएस जे, है ना, जे फॉर जुडिशरी। अब देखो, अब यहां पर सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट कहूंगा, सुन लीजिएगा, और उसके बाद में अगले 15 मिनट के सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। यहां पर सर मैक्सिमम एज एपीओ की कितनी है? चांदनी जी बहुत एज दी है इन्होंने, बहुत एज दी है, मैं डिस्कस करूंगा। 21 साल मिनिमम होने चाहिए, 21 ईयर्स जो है कम से कम होना चाहिए, और 40 साल तक के बुढ़ापे तक मस्ती से तैयारी करो। कितना? 40 ईयर्स का टाइम एपीओ दे रखा है। ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट एपीओ की वैकेंसी के हैं, यानी कि जो लेटेस्ट आ रखी थी, ठीक है। अब वर्तमान के अंदर हालांकि चेंजेज होने की गुंजाइश लगभग न के बराबर है, फिर भी होगा तो भी 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके अंदर भी जैसे आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के कैंडिडेट्स वगैरह हैं तो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन वहां पर एज का मिलेगा। यानी कि मन मस्ती से बढ़िया से तैयारी कर लो और
निकाल लो इस बार। अब देखिए 21 से 40 साल क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को पढ़ लो, क्योंकि अभी आप लोग जब तैयारी स्टार्ट करोगे ना तो आपके आसपास कई तरह के रायचंद महाराज आएंगे। रायचंद महाराज समझ गए, अरे क्या कर रहा है यार, वैकेंसी नहीं है, अभी क्या करेगा, मैं कुएं में कूद रहा हूं, आजा मेरे साथ कुएं में कूद जा। ऐसे होते हैं, दूरबीन लगा के ढूंढेंगे तो आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट एंड राइट इज राइट इवन नो वन इज डूइंग इट। अभी आप लोग तैयारी स्टार्ट करोगे, आसपास कोई नहीं कर रहा है, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सिर्फ आप कर रहे हो। आप जो है उन समझदारों के बीच में एक पागल आदमी हो, बट फिर भी राइट इज राइट, है ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा है इसलिए हम भी नहीं करेंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमारा मंजिल क्या है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं होती है, बट कम वक्त अपने मन के अंदर जब खुद को थोड़ा कमजोर समझ लेते हैं ना, उस समय दूसरों पर हमें भरोसा ज्यादा दिखाई देता है खुद की बजाय। ओके, खैर चलिए, बुढ़ापे तक पढ़ो। अरे प्रभु, नहीं पढ़ना है बुढ़ापे तक। मेरा कहने का मतलब यह है, इसी साल 2022 तक ही मामला खत्म करो, फिर घर वाले भी आस लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा अच्छी सी बहू लाएगा या मेरी बेटी अच्छा सा दामाद लाएगी, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करो, आगे बढ़ो जीवन के अंदर। क्या पढ़ाई पढ़ाई के अंदर ही लगा रहना है क्या, 2022 में अपना सपना खत्म कर लो भाई। जहां जहां मौका मिले घुस जाओ, जहां जहां एंट्री मिल रही है एंटर कर लो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर लिया करो। अच्छा, लोकल लॉ की टेंशन मत लो, उसकी जवाबदारी हमारी लिंकिंग लॉ के ऊपर है, ये तो आपसे हमारा एश्योरेंस रहेगा। ये कहां से आ गया, चलो भाई ये आपका कल का शेड्यूल है, देख लो, मतलब कल हम लोग इस तरीके से तैयारी व्यारी करने वाले हैं। हमारा तो संडे भी जो है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक ही चीज में लगा हुआ है। किस चीज में लगा हुआ है, बस लिंकिंग लॉ, लिंकिंग लॉ, और कुछ नहीं, सिर्फ लिंकिंग लॉ। चलिए अब यहां पर पहले मुद्दे पे बात करते हैं, बाकी सारा जो प्रमोशन वमोशन लास्ट की बातें, सीधे आ जाओ पॉइंट पे, देख लो अच्छे से समझ लेना। ये 15 मिनट अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया ना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप जो डिसीजन लेने वाले हो कि भाई यूपी के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा। या तो आप खुद को नो बोल दोगे या फिर यस बोल दोगे। यूपी के अंदर क्या है, ऑब्वियसली बात है, बाकी सारे स्टेट की तरह तीन स्टेप होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस का एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू का एग्जामिनेशन होगा। अब प्रीलिमिनरी के अंदर जो इन्होंने कानून की लिस्ट बना रखी है जो आपको पढ़ना है, वो कौन कौन से, आइए बात करें यहां पर। तो देखो, एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स है नंबर वन, जो कि हर स्टेट में होता है। दूसरा एविडेंस लॉ फिक्स है, उसके बाद में इंडियन पिनल कोड आईपीसी फिक्स है, सिविल प्रोसीजर कोड फिक्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये पांच तो वो है जो मेरे हथियार है, है ना, ये पांच वो हैं जो मेरे पांच पांडव है। कौन से, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मिजर लॉ, आपके एविडेंस, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी। तो टोटल 10 जो आपको आइटम दे रखे हैं यहाँ पर, उनमें से 5 आइटम तो पर्सनली मैं खुद करवाने वाला हूँ। बाकी के जो बच्चे हैं इनके अंदर देखिए, आपके ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ यानी कि माइनर कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी आपके माइनर कानून है। ठीक है, तो ये दोनों माइनर कानून जो है, आप सभी लोग जानते हो कि अपने लिंकिंग लॉज पर माइनर लॉ की तीरंदाजी करने में शिवानी मैडम बहुत ही बेहतरीन है, तो वो उनके द्वारा डील किया जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक बचे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट इंटरनेशनल अफेयर, तो ये जो दोनों मुद्दे हैं इसकी कमान हमने जगदीश सर को संभाला रखी है, पूरी एकदम मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ में जगदीश सर शुरू से लेकर एंड तक इसके पीछे पढ़ने वाले हैं। और ये आपके जो ज्यूरिसप्रूडेंस का पोर्शन है वो हमारे अपूर्वा मैम जो है वो देखने वाले हैं। अपूर्वा मैम को एक्सक्लूसिवली ज्यूरिसप्रूडेंस और लोकल लॉ, बस इनके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ उनको स्पेसिफिक है जो यहां पर किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये पेपर आपके जो है टोटल 300 + 150, कितना, 450 मार्क्स का होता है, 300 + 150, है ना। और इसके अंदर ये पोर्शन रहता है जीके का। अब ये जीके की पूरी तैयारी भी किसके कंधे पर हमने डाल रखी है, यहां पर सूर्या सर का भी एनरोलमेंट होगा और हमारे जगदीश सर का भी एनरोलमेंट होगा। मतलब चूंकि यूपी के अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जो हमारे तुरुप के इक्के है ना, जो आईएएस के शानदार एस्पिरेंट है, मेहनती कैंडिडेट से डेडिकेटेड है, उन दोनों को जवाबदारी दी जाएगी जीके के पोर्शन को कवर करने के लिए। क्योंकि यूपी के अंदर भैया जीके और लोकल लॉ ये दोनों जो है ना बड़े खतरनाक प्राणी होता है, और ऐसे खतरनाक प्राणी है जो या तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे या फिर बाहर बकायदा माला वाला पहनाकर अंदर लेकर आ जाएंगे। कौन, जीके और लोकल लॉ, क्योंकि इन कानूनों के अंदर तो नंबर कटने देंगे नहीं आपका। ये फॉर्मूला क्या है आपका, 7 + 2 + 1 का फॉर्मूला है।
एक आपके जुरिस्प्रूडेंस है, सात आपके कानून है, दो जो आपके करंट अफेयर्स के इवेंट है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी के अंदर जितना लॉ इंपॉर्टेंट है उतना उतना कहीं कहीं थोड़ा सा रोल जो है जीके का भी रहेगा। अब जीके की तैयारी मैं तो आधी रात में अकेले उठ के कर लूँगा, ओवर द नाइट ताजमहल बना दूंगा। ना भैया, शाहजहाँ से ना बनाता, हमसे ना हो पाएगा एक रात के अंदर तो। लेकिन अगर अभी से हम लोग प्रिपरेशन करना शुरू करें, मंजिल सूरज जो है वो सुबह ढलेगा। बॉर्डर मूवी देखी थी कि नहीं देखी थी, वहां पर जब प्लेन से अटैक करने की बात आ रही थी, एयर जो शॉट लगाने की बात आ रही थी, तो वहां पर जैकी श्रॉफ रात भर में नहीं जा पाया था, है ना। क्यों? क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे का फायदा उठाकर जो है दुश्मनों ने भारत पर हमला कर दिया था। काफी देर तक हमारे सैनिक लड़ते रहते बॉर्डर मूवी के अंदर। तो अब भैया बात सीधी सी है, आपके पास भी सूर्योदय सूर्यास्त होने से पहले तक का समय है, बढ़िया तैयारी कर लो। और उसके बाद में देखो, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद में जैसे आपका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद विज्ञापन आ गया, उसमें तो फिर पूरी दुनिया पढ़ेगी, आप कौन सा नया पढ़ोगे उस समय? उस समय तो सारे जो आसपास के शेर चीते वो जाग जाएंगे। आपने क्या एक्स्ट्रा किया? आप अगर अभी से प्लान करके चलोगे तो मैं ये नहीं कहने वाला कि वैकेंसी आपके इसी महीने के अंदर जो है घोषणा कर दी जाएगी या जनवरी के फर्स्ट में आएगी। आएगी आएगी जरूर, ये बात तो तय है, है ना, ये बात तय है। और वो भी प्रोबेबली आपके दो तीन महीनों का सीन है जो बन सकता है, ठीक। लेकिन जब भी आए उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना, ये प्रीलिमिनरी का आपका सिलेबस है, यानी कि प्रीलिमिनरी के अंदर लॉ के किसी पोर्शन में आपको टेंशन लेनी नहीं है, ये जवाबदारी तो है हमारे अपने लिंकिंग लॉ टीम की। अब देखो जो आपका मेंस का पेपर है, अब मेंस का पेपर जो है पांच पेपर में डिवाइड हो रखा है, एक तो आधी टेंशन यहीं पर हो जाती है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, आरजेएस का एग्जाम आपने दिया है तो चार पेपर तो वहां पर भी होते हैं, तो बेचारा यूपी आपसे एक ही तो पेपर एक्स्ट्रा मांग रहा है, है ना। यहां पर क्या होगा, जीके का पेपर होगा, और जीके का पेपर एक्चुअल में और कोई चीज नहीं है, करंट इवेंट पर आपकी कमांड जो है वो इस पेपर को आपको आसानी से पार कर देगी। और फिर से कह रहा हूं, यहां पर सूर्या सर और जगदीश सर दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपके जीके के पोर्शन को तैयार करेंगे, ठीक है। सूर्या सर वापस मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर आपका आर्टिकल राइटिंग का पोर्शन भी करने वाले हैं, ठीक है। नंबर टू के अंदर लैंग्वेज की कमांड भी हमारे पास में सूर्या सर के पास में होगी। और एक हमारे बादशाह और आने वाला है, एक जो कमी थी ना उनकी घोषणा आप लोगों के बीच में करने वाला हूं। आप मान के चलिए कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आपके सामने लिंकिंग लॉ टीम का एक नया जादूगर आपके सामने आएगा, और उनका अनुभव जो है ना वो वाकई में आपको जहां जहां पर हिंदी आती है वहां पर कहीं पर भी बिंदी नहीं लगने देगा, ठीक है। इंतजार करना उनका, नाम सस्पेंस में है, अगले हफ्ते उनकी एंट्री प्रोबेबली हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके पोर्शन है इंग्लिश और हिंदी, सूर्या सर और हमारे नए जादूगर सर जो है वो डील करेंगे इसको। इसके अलावा अब आता है लॉ का पोर्शन। देखो तीन लॉ के पेपर है, एक आपके जीके का पेपर है, एक इंग्लिश का पेपर है, और तीन लॉ के पेपर है। तीन लॉ के पेपर में से दो लॉ के जो पेपर है वो तो खासकर बड़े शानदार होंगे। कैसे? देखिए यहां पर क्या आएगा, लॉ ऑफ सब्सटेंटिव लॉ आपका पोर्शन है। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का कानून, पार्टनरशिप का कानून, ईजमेंट और टॉट, ये नया फंडा है, ये जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप अभी हरियाणा के अंदर हम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ही ली थी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक बड़ा ही कॉमन सा फंडा है, ठीक है। इक्विटी के प्रिंसिपल यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे, और इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट। लॉ ऑफ ट्रस्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ, कॉमन सी बात है, हिंदू लॉ, मॉर्मन लॉ, हरियाणा के अंदर खूब घोट घोट कर पढ़ा है उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये आपके जो सेगमेंट रहेगा, ये सेगमेंट रहेगा आपके स्पेशली सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट। मतलब इसके अंदर माइनर कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन का कानून है, माइनर और कॉन्स्टिट्यूशन का कानून जो है इसके अंदर रहेगा। अब इनमें से 50 नंबर स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलोन। मतलब ये तो तय है कि 50 नंबर कम से कम आपके संविधान से पूछे जाएंगे, और बाकी के माइनर लॉ 150 मार्क्स के होंगे, ठीक। ये आपके सब्सटेंट, ये दूसरा पेपर है। अब आप साथ साथ में अंदाजा लगाते चले हुए जाओ कि यहां पर जो है इस केस के अंदर आपने कितना पढ़ रखा है। अब आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, हिंदू लॉ है, मॉर्मन लॉ है, ये जनरल चीजें हैं। एक्स्ट्रा क्या बचा, लॉ ऑफ ट्रस्ट को पढ़ना, एक्स्ट्रा क्या बचा, ईजमेंट को पढ़ना, एक्स्ट्रा क्या बचा, टॉट को, यानी कि 1, 2, 3, इसके अंदर तीन नई चीजें हैं आपके सामने आएगी। सिर्फ तीन छोटे छोटे कानून हैं, और उनकी वजह से अगर आपको पेपर छोड़ना है आपकी मर्जी। उसके बाद देखो लॉ का दूसरा पेपर, यानी कि पेपर नंबर सेकंड,
अब यहां पर तो और कुछ है ही नहीं, यहां पर आपके सीआरपीसी, यहां पर सीपीसी, साथ में एविडेंस लॉ और साथ में इश्यू फ्रेमिंग और चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग, जिससे हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, यानी कि ये जो कानून है वो प्रोसीजरल कानून है, प्रोसीजरल एंड एविडेंस का पेपर है और इसके अंदर एक भी नंबर कटने देना नहीं है हमें। देखो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर ये आपका स्कोर करवाएगा, ये आपका क्या करेगा, अच्छे तरीके से स्कोर है जो करवाएगा। जो भी कैंडिडेट्स एपीओ का एग्जाम देने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं वो जुड़े रहना, आपके लिए एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं और वो क्या होगी। बस 5 मिनट का सेशन अभी खत्म कर देते हैं। तो ये आपका पेपर फोर्थ है, अब बचा पेपर फिफ्थ। अब ये आपको बहुत ही टेंशन दे रहा होगा कि सर ये तो है जो सिर में खुजली करता रहता है, मतलब ये बहुत टेंशन देता है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है, आप में से कई कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने हो सकता है राजस्थान जुडिशरी की पहले तैयारी वैयारी की हो, तो उस समय पंचायती राज म्युनिसिपलिटी एक्ट जो कि आपके संविधान का हिस्सा भी है, आप भी जानते हो कि पंचायत का कॉन्सेप्ट म्युनिसिपलिटी का कॉन्सेप्ट आपके संविधान वगैरह के अंदर भी आ रखा है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है कि लोकल लॉ जो है ना वो दो भागों में डिवाइड होता है। देखो आसान सा तरीका, कोई भी चीज याद रखने का फंडा अगर डेवलप हो जाए ना तो वो चीज हमें कभी परेशान नहीं करती। अभी आपका यूपी का लोकल लॉ है, आप इसको नाम याद करने की बजाय इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, है ना। एक तो यूपी का ऐसा लोकल लॉ जो कि अर्बन पे अप्लाई होता है, कहां पे, अर्बन कानून, अर्बन यानी कि शहरी, जो शहर के संबंध में है, ठीक है। और दूसरा आपके होगा रूरल, यानी कि जो ग्रामीण आपके जो गांव की व्यवस्था वगैरह है, ग्रामीण एरिया के संबंध में है जो होगा, ठीक। कैसे, देखिए अब यहां पर पहला कानून आपके कौन सा आ रखा है कि इंडियन पिनल कोड, इस बारे में अभी थोड़ी देर से डिस्कशन करते हैं। यूपी का जमींदारी अबोलिशन यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो ये कहां पर आएगा, ये आपके जुड़ेगा यहां से। तो रूरल के अंदर पहला कानून आपके कौन सा है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। इसके अलावा दूसरा यूपी का म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपलिटी कानून कहां से होता है, यहां से होता है, ये आपका म्युनिसिपलिटी कानून, नगर पालिका का जो एक्ट है उसके बारे में बातचीत यहां पर हो रही है, ठीक है। तो ये आपके देखिए जमींदारी अबोलिशन लैंड रिफॉर्म कानून की बात आ गई। अच्छा अब बचा ये अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन, अब ये कानून पता है कौन सा है, जैसे आपके एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर आप एमपी के कैंडिडेट्स हो तो आपने एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ा होगा, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह पढ़ा हो, तो ये वही तो कानून है, नाम दूसरा है इसका, लेटिंग रेंट एविक्शन, है ना। तो यहां पर ये जो आपके बिल्डिंग, अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट, तो यानी कि ये आपके अर्बन बिल्डिंग वाला जो कानून है, अर्बन बिल्डिंग यानी कि रेंट एक्सेट्रा, इससे संबंधित जो कानून हो गया। उसके बाद में म्युनिसिपलिटी आ गया, पंचायत, पंचायत आपके गांव का सिस्टम है, तो यहां पर आपके जो पंचायती राज एक्ट का कानून है, ये आपके रूरल एरिया से संबंधित पंचायती राज का कानून हो गया। उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसको अपन चकबंदी कानून भी कहते हैं, है ना, तो ये आपके कंसोलिडेशन वाला तीन कानून। तो तीन कानून तो आपके क्या है, ग्रामीण के हैं और तीन कानून शहर के हैं। अब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये जो प्लानिंग और डेवलपमेंट वाला फंडा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो तीन कानून, 1, 2, 3 शहर के और 1, 2, 3 कानून ग्रामीण के। अब पता है फंडा प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार 6-6 कानून है कैसे करेंगे, 6 कानून है कैसे डील किया जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या आपको, क्या हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना भी कमजोर है कि हम लोग म्युनिसिपलिटी की व्यवस्था को नहीं समझ सकते। अरे भाई कानून तो कानून है ना, हमारे देश में से जब संविधान बन रहा था तो हमने विदेशों के संविधान को उठा उठा के पढ़ पढ़ के उसमें से संविधान का निर्णय किया। तो यहां पर ये कानून आपका जो है, ये जो लैंड रिफॉर्म कानून को चलो मान लेते नया है, लेकिन पंचायती राज ये क्या बिल्कुल अलग होगा क्या, नहीं। ये जो आपके बिल्डिंग लैंड कानून है ये भी अलग होगा क्या, नहीं। तो म्युनिसिपलिटी, पंचायती और रेंट कंट्रोल ये तो सेम है। यूपी के अंदर आप मानो तो भले 6 के 6 कानून अलग अलग है, लेकिन 3 कानून का बेसिक फंडा तो सेम होगा ना, बेसिक फंडा तो क्या है वहां पर सेम होगा, बस इतना ही हमें करना है। तो 3 कानून अगर आप कवर हो जाएंगे हमारे, तो पीछे कितने बचे, 3 कानून यहां पर कवर हुए तो पीछे 3 ही तो कानून बचे। और वैसे मैं आपको बता दूं, 3+3 6 के 6 कानून है ना, इतने धुआंदार तरीके से तैयार होंगे कि आप लोग वाकई में खुद को गर्व फील करोगे कि हाँ यार ठीक रहा, यूपी का एग्जाम दे दिया। अच्छा क्वेश्चन पढ़ने में पिनल लॉ विल बी 50 मार्क्स, आईपीसी से 50 मार्क्स के सवाल आएंगे और बाकी आपके इन लोकल लॉ में सवाल आने वाले हैं, यानी कि ये लोकल लॉ आपके स्पेशली बहुत काम आने वाले हैं। और इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए यूपी के लोकल लॉ पर ही
अपूर्वा मैडम सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोकल लॉ पर दिमाग लगाने वाले हैं। मतलब पूरा फोकस, चाहे आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने का हो, मेंस के सवाल करवाने को, प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाने को, कॉन्सेप्ट को समझाने का हो, और साथ ही साथ में लोकल लॉ के लिए बैकअप प्लान मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि यूपी का जो कानून है मैं उसको समझता हूँ कि वाकई में बहुत काम की चीज़ें हैं। इसीलिए ये जो आपके लोकल लॉज है ना, ये अपूर्वा मैम भी करवाएंगे और साथ साथ में मैं भी इसको पर्सनली डील करूँगा। तो अपूर्वा मैम और आपके ये पागल सर है ना, हम दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, इसको डन करने वाले हैं। किसको? इस यूपी के लोकल लॉ को। और मजा आएगा, सच कह रहा हूं, कुछ नया करना है। अब योगी सरकार के पास में सारा क्या कहते हैं कंट्रोल वंट्रोल है, तो आइए बढ़िया से तैयारी वैयारी करते हैं, प्लान करते हैं। इसके अंदर कह रहे सरकार से हमें क्या लेने देना, चाहे बीजेपी की आए कांग्रेस की आए, हम ठहरे भोले भाले मासूम से जीव, हमें तो कोर्ट में जाना है, जज की सीट पर बैठना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, हमारा छोटा सा सपना है। उसके बाद में आपके इंटरव्यू रहता है, कितना 100 मार्क्स का आपके जो है इंटरव्यू सेशन भी रहेगा, 3। तो कुल मिला के 3 स्टेजेज हमारे सामने आ गई, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का। अच्छा मजेदार बात देखो, प्री का जो सिलेबस है उसमें से मोस्ट ऑफ पार्ट आपको देख लो मेंस के अंदर मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखो, ये आपके यूपी का जो प्री का सिलेबस आया है, इस प्री के सिलेबस में से एविडेंस मेंस के अंदर है, आईपीसी, सीबीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सारा मेंस के अंदर ही। सिर्फ जुरिस्प्रूडेंस हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है, जुरिस्प्रूडेंस जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। नाउ अगला जो बिंदु है एपीओ एग्जामिनेशन के बारे में, यूपी का एपीओ, क्योंकि उसकी भी बड़ी धाकड़ वैकेंसी आने वाली है। ये आपको अगर विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बोल बोल के आपको समझा दूंगा, सुन लो। मेनली क्या है, यूपी के अंदर एपीओ का एग्जाम है, वो भी 3 स्टेज का होता है। वहां पर एपीओ बनाने के लिए पूरा जज के लेवल का परीक्षण करेंगे आप सभी का। क्या होगा इस केस के अंदर, देखिए, जैसे कि आपके पहला पार्ट है आपके किसका, ये जीके जीएस वाला। तो जब आप यूपी पीसीएस जे के अंदर जीके की तैयारी कर रहे हो तो फिर एपीओ के एग्जाम का प्लान क्यों नहीं कर रहे? देखो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है, एक बार कहीं पर एंट्री कर लो, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल सेटअप हो जाएगा। एक छोटी सी बात कहूं, मैं हमेशा वैसे कहता रहता हूं, हम लोग जीवन के अंदर कितने भी बड़े एकदम यूं पढ़ने वाले इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स क्यों ना है, लेकिन पता है जीवन की सच्चाई है कि अगर कुछ समय तक आपने सफलता हासिल नहीं की, आप तैयारी कर रहे हो, अटेम्प्ट लग रहा है, फिर से तैयारी कर रहे हो, अटेम्प्ट लग रहा है, अगर कुछ समय तक आप सफलता हासिल नहीं किए तो कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक समय पर आपके घर वाले, आपके अपने भी आपकी काबिलियत पर शक करने लग जाते हैं। तेरी कजन सिस्टर का तो सिलेक्शन हो गया, तेरे उस फ्रेंड का तो सिलेक्शन हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ, ताने मारे जाते हैं, पता है ऊपर से ताने पड़ते हैं। खैर जो भी हो, समाज का तो काम है ताने मारना, और समाज करेगा भी क्या, लेकिन आपका काम जो है ना वो ये है कि बढ़िया मौका देके उसमें एंट्री कर लेना, कम से कम साइकोलॉजिकल लेवल एक बार सेटिस हो जाएगा ना, फिर आगे जज का प्लान करते रहिएगा। खैर चलिए, तो यहाँ पर क्या आपके सामने जीके का पेपर आएगा जिसमें से बाइफरकेशन है, उसके बाद में ये जो पेपर है आपका पार्ट 2 आईपीसी एविडेंस सीआरपीसी, और पीछे बचा क्या, पुलिस एक्ट, यूके का पुलिस एक्ट जो बचा आपका यूपी का, ये पुलिस एक्ट बकायदा मैं पर्सनली करवाऊंगा और विदाउट एनी कॉस्ट करवाने वाला हूं। मतलब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप जो है यूपी के एपीओ के लिए अलग से कुछ दिमाग खिमाग लगाएं, क्योंकि अगर आपने यूपी के पीसीएस का प्लान कर दिया, पीसीएस जे का प्लान कर दिया, तो यूपी का एपीओ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सिर्फ एक एक्ट एक्स्ट्रा बचता है, पुलिस एक्ट, वो भी 100% जो है मैं खुद पर्सनली इसको डील करने वाला हूं। किसको? यूपी के पुलिस एक्ट को। ठीक है, तो अब बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है। मेंस के एग्जाम में इस तरीके से आपके 4 पेपर होने वाले हैं, जीके का, जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी के लिए हमारे सामने जल्दी ही हमारे लिंकिंग लॉ के एक स्पेशल एजुकेटर आपके सामने आएंगे। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह, इस तरीके से 4 पेपर है और 50 नंबर का आपके इंटरव्यू का सेशन है। अच्छा, एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया यूपी के एपीओ के अंदर तो है क्या 21 से लेकर 40 साल तक, लेकिन यूपी के पीसीएस जे में एज क्राइटेरिया है 22 साल से लेकर 35 तक। नोट करना, अगर आप नोट करना चाहो तो इस पॉइंट को, क्या है यूपी का जो आपका एपीओ एग्जामिनेशन है यहाँ पर एज क्राइटेरिया 21 से 40 है। ठीक है, और यूपी का आपका जो पीसीएस जे है उसमें एज क्राइटेरिया 22 से लेकर कहाँ तक है 35 तक है, सब्जेक्ट टू जो भी रिलैक्सेशन है वहाँ पर। ठीक, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या आपको लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है
जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है उनको मौका नहीं दिया गया था, जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रखा था वो। इस बार का रिक्रूटमेंट क्या आता है, लेट्स सी, अगर उसके अंदर ऐसा कुछ होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन भारत के कुछ ही स्टेट जो है LLB फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अवसर देते हैं किस फील्ड के अंदर, यहाँ पर तैयारी व्यारी करने का। अच्छा, अब जो बात मेन आपके सामने है वो ये है, नाउ यू हैव टू डिसाइड यूपी का प्लान करना है कि नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो पूछ लो। सर मतलब APO में भी 4 पेपर है? हाँ अंतिमा जी, APO के अंदर भी 4 पेपर है। हाँ जी सर, आई विश वो सर, देखते हैं, आप निश्चिंत रहिए सोनी जी, निश्चिंत रहिए, जो होगा बढ़िया होगा। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ के कि इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व है, कि सर आप आए हो वो तो ठीक है, लेकिन आप अनअकैडमी की क्या क्या चीज़ें लाए वो हमको बता दो। तो बता रहा हूँ तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि UPPCS जो का प्लान में है, कोई अलग से नया बैच स्टार्ट नहीं होता है। क्या होगा, जो अपना बैच चल रहा है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 स्टेट के कॉमन सब्जेक्ट डील हो रहे हैं, यानी कि जो अक्टूबर एंड के अंदर अपना बैच चला था 650 प्लस आर्ट्स का, उसी बैच के अंदर इनरोलमेंट है। क्योंकि लिंकिंग लॉ के इस प्लेटफॉर्म पर अगले 2-4 महीने तक हम कोई नया बैच प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्तमान बैच है इसमें पूरी मेहनत मुझे लगानी है, और इसलिए लगानी है क्योंकि इनके अंदर डायमंड छुपे बैठे हैं। अब आपको भी डिसाइड करना है, UPPCS का प्लान कर रहे हो देन यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी से प्लानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जाके 3-4 महीने बाद एग्जाम को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर क्या है, आइकॉनिक और प्लस आपके पास दो सेगमेंट हैं। आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको एक मेंटोर अवेलेबल कराया जाता है 1-to-1। कहते हैं ना कि आजकल के दोस्तों के साथ डिस्कशन क्या करना, वो तो पढ़ते कम है बदमाशी ज़्यादा करते हैं। तो एक मेंटोर मिलेगा जो आपके प्लस माइनस को ऑब्जर्वेशन करेगा, तो ये आइकॉनिक है। सीधी सी बात है, कहीं की थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर VIP वाला फीलिंग भी आएगा, है ना, कि VR स्पेशल। और दूसरा है अपना प्लस कोर्स। पढ़ाने के मामले में आइकॉनिक और प्लस दोनों के अंदर पढ़ाई का जो लेवल है वो सेम रहेगा, बस फर्क इसका ये है कि यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस का पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा रहता है, किसके अंदर, आइकॉनिक के अंदर। दूसरा, अब देखिए जो आपके पास प्राइस कोटेशन है प्लस सब्सक्रिप्शन का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, तो ये आपके पास में 24 महीने 18 महीने 12 महीने 6 मंथ। देखो जो कैंडिडेट UPPCS जे के बारे में दिमाग लगा रहे हैं उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों को जो कहना कम से कम 12 मंथ के बियॉन्ड नहीं सोचना चाहिए, 12 मंथ के कम नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज होने में कम से कम 10 महीने से 12 महीने का समय जो है वहां पर लग जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि बीच के अंदर अपनी वीडियो खत्म करवाओगे और वहां से बीच में सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे या जो भी है। अच्छा, अब आपको यहां पर एक क्वालिफाइड वर्ड भी दिख रहा होगा, लिंकिंग 10। ये क्या है कि जब आप अनअकैडमी के ऐप पर जाते हो और वहां पर जाके आप उसमें ऑप्शन बुक क्लिक करोगे, तो पेमेंट करते समय अगर आपने लिंकिंग 10 डाला तो दो स्पेशल बेनिफिट आपको होंगे। 10% जो लेस होना है वो तो होना ही है, हर एक जो भी वैलिड कोड है उसको भी अप्लाई करोगे तो भी 10% आपका हो जाता है। लेकिन दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि लिंकिंग लॉ के साथ आपका कनेक्शन रहेगा। लिंकिंग लॉ जो अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंकिंग लॉ के टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो कर लो। टेलीग्राम खोलना, उसमें सिंपली सर्च करना लिंकिंग लॉ तनसुख सर, आपको मिल जाएगा वहां पर अपना टेलीग्राम चैनल। एक हंसती हुई स्माइल करती हुई इमेज भी वहां पर आपको दिख जाएगी। 11,000 प्लस अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे लिंकिंग लॉ के मेंबर्स हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी स्पेशल अपडेट होता है, कई बार YouTube पे नहीं आ पाता तो लिंकिंग लॉ में अपना शॉर्ट वीडियो बना के मैं जरूर डालता हूं ताकि जानकारी मिलती रहे। ओके, वैसे बता दूं, नारी शक्ति जिनका मामला थोड़ा दबाव में चल रहा था, घर वाले कह रहे थे बेटा शादी कर शादी कर शादी कर, उनको 3 साल की मोहलत और मिल गई है ना, 18 से 21 का मामला हो चुका है, तो अब 21 से पहले घर वाले करवाएंगे नहीं, 3 साल का बढ़िया फायदा उठा लो, जज वज बन जाओ, और उसके बाद में अपने लेवल का बंदा ढूंढोगे तो मजा कुछ और वहां पर आएगा। हाँ जी, तो ये पॉइंट है, चल रहा है आपके 23rd को, देखो 3 तारीख नोटिफाई कर रहा हूं मैं, 23rd, 24th, 25th, इन 3 तारीख को स्पेशल UPPCS जे ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। 23rd, 24th, 25th को ये 3 क्लास ओरिएंटेशन होने के बाद में फिर आप जो क्या कर पाओगे, 25th से जो है मेन कोर्स के अंदर एंट्री है जो कर पाओगे। और इसके लिए आपको समय पर जो है अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर प्लान करना है तो कर लो। बाकी देखो, सेल्फ स्टडी के भरोसे तो रहना मत, बुरा मत मानना, हकीकत तो यही है। सेल्फ स्टडी आज के समय में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले जैसी बात हो गई है।
आप क्या सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी से जज बनोगे तो कोई लोग वाह वाह ही करेंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, देखो ये हमारे भारत का जवान सपूत सेल्फ स्टडी से जज बना है। बन भी गए तो हाई, जब कोर्ट के अंदर बैठोगे ना, वहाँ पर रीडर जब आपका कोर्ट चलाएगा बड़ा फील होगा कि अरे यार हमें उस लेवल का नहीं मिल रहा है ना। चलिए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ कहीं भी करना है कर लो, अच्छे से एक बार खुद को प्रिपेयर कर लो, जज बनोगे तो थोड़ा सा अच्छा रेस्पेक्ट डिग्निटी है जो वहाँ पर मिलेगा। इन शॉर्ट लिंकिंग 10 अप्लाई करो या फिर हमारे लिंकिंग लॉ एजुकेटर के किसी अन्य एजुकेटर का कोड अप्लाई करो, वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन आपको अप्लाई करके क्या करना है, लिंकिंग लॉ का पार्ट बन के UPPCG की तैयारी करना है। देखो ठीक है ये प्रमोशनल पार्ट अपनी जगह पर है, लेकिन हकीकत जो है वो ये है, तैयारी शुरू कर दो, तैयारी जो है प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना मिट्टी में से अंकुर निकलता है, ये सही बात है, लेकिन अगर अंकुर समय पर नहीं निकला ना, अगर वो अंकुर जो बीज से निकलता है अगर उस समय पर नहीं निकला ना, तो उसे आज के जमाने के अंदर कुचल दिया जाता है। तो आपको अपना करियर धराशायी होते हुए देखना है या उठते हुए देखना है, इसका डिसीजन आपको लेना है। अगर 2-3 बार अटेम्प्ट दिए हैं फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मान के चलो कुछ कमी है, उस कमी को हमें क्या करना, ऑब्जर्व है जो करना है। UPAPO की फीस कितनी है सर? UPAPO की कोई फीस नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो दोनों को प्लान करो, सिविल जज का भी और UPAPO का भी, क्योंकि UPPCJ के अंदर ऑटोमेटिकली आपके UPAPO का तैयारी हो जाएगा। पुलिस एक्ट मैंने आपको पहले से कह दिया है, वो मैं अलग से करवाऊंगा, आपको मस्ती से करवाऊंगा और उसके अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है कि करना है प्रॉपर तरीके से या नहीं करना है। UPAPO आप उसको अलग मत समझो, क्योंकि आपके इंटरव्यू तक 3 स्टेज है और GK का पेपर भी है वहाँ पर, उसके लिए आप UPPCS का प्लान करो। हाँ आपको 12 महीने में जाने की जरूरत नहीं, आप 6 मंथ का ही दिमाग लगाना, जज वाला प्रोग्राम तो 12 महीने का होगा, UPAPO के लिए सिर्फ 6 मंथ का प्लान काफ़ी है। तो आप 6 मंथ का प्लान करो और UPAPO को यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। कहने का मतलब UPAPO 6 मंथ में ही दिमाग लगाएं, जिनको सिर्फ UPAPO ही करना है, आपको सिविल जज में जाना ही नहीं है, और सिविल जज में जाना है तो 12 महीने, और अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो देखो आपको 18 प्लस का दिमाग लगाना चाहिए ताकि लास्ट तक आपके वीडियोस आपके पास बने हुए रहे। एक ऑप्शन अनअकैडमी में रहता है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट्स गलत लगता है, कोई भी गलत बात है, तो आप यहाँ पर बग्स बाउंटी के अंदर उसको बता सकते हो और इसके बदले में आपको ट्रॉफी दी जाएगी, रिवॉर्ड है जो दिया जाएगा। खैर और कोई सवाल आप पूछना चाहें सर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, सीधा सा फंडा है, टेलीग्राम में जाओ, लिंकिंग लॉस तनसुख सर का चैनल ओपन करो, वहाँ पर एडमिन और ऑनर का जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वहाँ पर पर्सनल मैसेज डाल दो, आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मेरी टीम या समय मिला तो मैं खुद पर्सनली आपको रिवर्ट जरूर करूँगा। ओके हाँ जी, हिंदी में भी करवाएंगे तैयारी। सुनिधि जी तैयारी डिग्लॉट एडिशन के अंदर होगी, प्योरली इंग्लिश नहीं होगा, प्योरली हिंदी नहीं होगा, वैसे भारत में ऐसा कहीं पर होता भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बड़ी बड़ी फीसें देखकर भी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी कहेंगे जो है भाषा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में इस्तेमाल की जाती है। कंटेंट जो दिखाया जाएगा वो डिग्लॉट होगा, डिग्लॉट होगा वो कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश मिक्स के अंदर तैयारी होगी। ठीक है हाँ जी सर, बता दीजिए सेल्फ स्टडी से नहीं क्लियर होगा क्या? सिद्धराज जी कोई ऐसा कोई जीवन में चीज़ है ही नहीं कि जो नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं लेकिन समय लग जाता है किसी चीज़ को लेकर, और कमबख्त समय तो हमारे पास नहीं है ना, है ना। आप सेल्फ स्टडी करोगे, जो आप लेवल अचीव करोगे 3 सालों के अंदर, वो लेवल एक कहीं के कैंडिडेट जो है वो 1 साल के अंदर अचीव कर लेगा। एक छोटा सा किस्सा सुना सकता हूँ, आप लोग इजाज़त दो तो फटाफट इजाज़त दो, मुझे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर सुन लीजिए। मान लेता हूँ कि आपने इजाज़त यहाँ पर दे दी है, चलिए देखो क्या होता है। सपोज करो एक ये कैंडिडेट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस कैंडिडेट ने अपने स्तर पर जॉब तैयारी वैरी की, ये LDC लग गया, क्या लग गया, LDC लग गया। एक कैंडिडेट था जिसने जैसे तैसे मेहनत करके क्या किया, कुछ न कुछ एक प्लेटफॉर्म प्राप्त कर लिया और उस प्लेटफॉर्म से उसने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह एक्वायर किया। इसकी जो नौकरी लगी वो कहेंगी मान लेते ऑफिसर लेवल की लगी, ठीक है ऑफिसर लेवल की लगी। अब मुझे बताओ एक LDC जब तैयारी करेगा और एक ऑफिसर जब तैयारी करेगा दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर आंख बंद करके ये सोच रहे हो कि मैंने आंख बंद कर दी है अब मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ये आपका भ्रम है। आज के समय में लॉ के फील्ड में सेल्फ स्टडी सुसाइडल अटेम्प्ट बन के बैठी है, सेल्फ स्टडी लॉ के फील्ड में सुसाइडल अटेम्प्ट बन के बैठी है। आपको वाकई में अगर मेहनत करनी है तो यार कहीं पर भी जाओ,
मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको अनअकैडमी को यहाँ पर या लिंकिंग लॉ को ज्वाइन करना है, नहीं। आप कहीं पर भी जाओ प्रॉपर तरीके से तैयारी जरूर करो, क्योंकि यार एक लॉ किया हुआ बंदा बेरोजगार दिखता है ना, यहाँ पे पेन होता है, सीरियसली कह रहा हूँ, दिल से बात बता रहा हूँ। बहुत बुरा लगता है जब लॉ ग्रेजुएट कोई बंदा किसी और पर डिपेंडेंट है अपने जीवन की इनकमिंग के लिए। खैर, हाँ जी, तो ये मुद्दा है आपके सामने, सब कोर्स बेचने के तरीके। सही बात है, आप बिल्कुल आरोप लगाइए कोर्स बेचने का तरीका को। मैं तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन करो, इतना ज़रूर कह रहा हूँ अपने लेवल की तैयारी अच्छे से करो, बाकी दोष भले ही दो यार, लेकिन सच्चाई तो यही है। सोचो अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हमारे माता पिता को कितना बुरा लगता होगा। तैयारी करो, बाकी तरीके हैं, कुछ भी है, मार्केटिंग है, जो कहना है वो कहो। हकीकत तो इतनी है कि काल करे सो आज, कर ले आज करे सो अब, और नौकरी हाथ से चली जाएगी तो तैयारी करेगी कब, ठीक है? ये आपके बाद में सीधा सा फंडा है। नाउ एट द एंड इतना ही कहूँगा, अपनी मंजिल हमें दिख रही है, प्लान करना है अभी कर लो, सही समय है, समय निकल जाएगा, ना आप कुछ कर पाओगे ना आपकी किस्मत कुछ कर पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके कमेंट्स यहाँ पर दिखकर, और भी कोई आपका सवाल है आप मस्ती से कमेंट में पूछना, या फिर लिंकिंग लॉ टेलीग्राम चैनल पर जाके आप एडमिन या ऑनर को मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ओके, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन के देखिए कुछ शुभ मुहूर्त तो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, बट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि ऑन द वे है, कभी भी पहुँच सकता है। चलिए, बाल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नमिता जी, मेरा सजेशन आपसे ये करवाना चाहिए। ओके, कि एग्ज़ाम डेट को क्या प्रिडिक्शन है? प्रवीण सिंह जी, एग्ज़ाम की डेट जो है प्रोबेबली, जैसे ही मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है जनवरी के अंदर, तो अप्रैल मार्च के एंड तक या मई के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा वहाँ पर। प्रीलिमिनरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यस, वन ईयर इज इनफ गुलशन कुमार जी, वन ईयर इज इनफ। ओके, अगर आप प्री मेंस और इंटरव्यू को दिमाग लगा रहे, वन ईयर इज इनफ। LLB के स्टूडेंट है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 12+18 वगैरह में जाना चाहिए। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, PCSJ में प्री और मेंस दोनों में उतना फीस है? देखो एक बात आपको बता देता हूँ, तैयारी मेंस की ही होती है, मेंस की ही तैयारी होती है, मेंस की तैयारी जब करते हैं तो प्री ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। खैर, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को यहीं पर समअप करते हैं। सो थैंक यू सो मच।